नमस्कार दोस्तों, मैं वी चतुर्वेदी पाथफाइंडर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आपसे निवेदन है, हमारे चैनल पर आप प्रथम बार हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा लें, जिससे शिक्षा जगत संबंधी जो भी महत्वपूर्ण अपडेट हो हमारे चैनल के माध्यम से यथाशीघ्र आपको प्राप्त हो सके। जैसा कि आज के समाचार पत्रों में सबसे महत्वपूर्ण सूचनाओं से कुछ सूचनाएं इस प्रकार से हैं। यूपी पुलिस में लगभग 25,000 पदों पर शीघ्र विज्ञापन होने वाला है, जल्द ही विज्ञापन आएगा। साथ ही साथ जूनियर भर्ती परीक्षा जो हुई थी उसका रिजल्ट कल जारी होने वाला है और उसका जो आंसर की है वो कल जारी कर दिया गया है और 19 तारीख तक आप इस आंसर की को देख सकेंगे। 4 अंक जो है बोनस के रूप में सारे अभ्यर्थियों को मिला गया है। TGTPT चयनितों के साथ कुछ मामलों में धोखा हुआ है, उसको लेकर के खबर है। शुरू करते हैं। पहली बात, आपकी पहली जो सूचना है जूनियर भर्ती परीक्षा से, अंतिम उत्तर माला जारी, 4 प्रश्नों के सभी को मिलेंगे अंक। सहायक अध्यापक व प्रधानाध्यापक भर्ती परीक्षा 2021 में 4 सवाल गलत मिले थे। आपत्तियों के बाद विशेषज्ञों ने राय दी और राय के बाद ये 4 अंक कॉमन रूप से सबको मिलेंगे। 38 केंद्रों पर 32,000 अभ्यर्थी देंगे असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा, इसकी भी सूचना आज के समाचार पत्रों में छपी हुई है। अच्छा, आंसर की भी जारी की गई है, जो उत्तरमाला जारी की गई है उसको 19 तारीख तक आप 19 नवंबर तक आयोग की वेबसाइट पर देख सकें। बात करें पुलिस भर्ती परीक्षा की तो दिया है, मीडिया रिपोर्टों की माने तो भर्ती के लिए नोटिफिकेशन नवंबर के आखिरी या फिर सितंबर के पहले सप्ताह में जारी किया जा सकता है, जबकि एग्ज़ाम जनवरी के आखिरी या फिर फरवरी में आयोजित किया जा सकता है। हालांकि अभी नोटिफिकेशन जारी करने की तारीख का ऐलान उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा नहीं किया गया है। तो यह एक अच्छी खबर है उन सारे अभ्यर्थियों की जो कि पुलिस आदि विभाग से भर्तियां जो आती हैं उसकी तैयारी करते हैं, तो उनके लिए एक अच्छा मौका मिल सकता है। आप सभी अभ्यर्थी जो भी इसमें इंटरेस्टेड हैं वो अपनी तैयारी जारी रखें, जल्द ही आपको ये वैकेंसी देखने को मिल सकती है। 25,000 पद होंगे जैसा कि दिया भी है और जल्द ही इसको पूरी करने की बात भी कही जा रही है, क्योंकि चिमानी प्रक्रिया चल रही है, चुनाव के समय के भर्ती आ रही है। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, सरकारी नौकरियों हेतु प्रदेश में जनवरी से शुरू होगा परीक्षाओं का दौर। 22,794 पदों पर भर्ती के लिए जल्द ही शुरू होंगे आवेदन प्रक्रिया। यह जो सूचना है वो UP SSC से है। लगातार UP SSC 50,000 पद, फिर 30,000 पद, अब 22,000 पद पे आ गया है और इतने पदों पर भर्ती प्रक्रिया आगे संपन्न कराएगा। बात करेंगे अगली सूचना की, दिया है, निजी संस्थानों के साथ ही अब सरकारी संस्थाओं में संविदा भर्ती के लिए युवाओं को सेवा योजना विभाग की वेबसाइट पर पंजीयन अनिवार्य होगा। युवा सेवा योजना विभाग की वेबसाइट के माध्यम से घर बैठे अपना पंजीयन और संविदा भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। सेवा योजना विभाग के माध्यम से संविदा भर्ती का अधिकार मिलने से बेरोजगारों के साथ होने वाली ठगी से निजात मिलेगी। पहले सरकारी विभाग सीधे भर्ती कर लेते थे, अब युवाओं की जानकारी नहीं होती थी। कोई भी सेवा योजना विभाग वेबसाइट sevayojana.up.nic.in के माध्यम से पंजीकरण के साथ आवेदन कर सकता है। तो यह एक महत्वपूर्ण अपडेट है, इसको आप जानते रहें, इस पर आप आवेदन कर लें ताकि भविष्य में कोई भी जॉब आती है तो इस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। दिसंबर के पहले सप्ताह में विद्यार्थियों को मिलेगा टैबलेट और स्मार्टफोन, आपूर्ति का शेड्यूल तय। जो स्मार्टफोन योजना, टैबलेट योजना उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जारी की गई थी, यह सिर्फ उत्तर प्रदेश के ही छात्रों के लिए है और उन सभी छात्रों को मेरिट के आधार पर लगभग 13 लाख जो लैपटॉप हैं वो बांटे जाएंगे। दिसंबर के पहले सप्ताह से ही यह आपको मिलेगा कि लैपटॉप बंटना शुरू हो गया है, तो यह एक अच्छी खबर होगी उन सारे अभ्यर्थियों की। फॉर्म भरे जा रहे हैं कॉलेज से, आप कॉलेज संपर्क करें। चयनितों के साथ धोखा, TGTPGT के जो अभ्यर्थी हैं 2016 के, उन्हें पास तो कर लिया है परीक्षा, किंतु उनका जो अंतिम चयन है वह रुकने लगा है। लगभग 1,000 ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि अपना विद्यालय अभी तक नहीं प्राप्त कर सके हैं और वो परेशान हैं चयनितों के साथ इस मामले को लेकर के धोखाधड़ी हुई है। आगे बात करें, विवाहित पुत्री को अनुकंपा की नौकरी दिया है, कुटुंब की परिभाषा में शामिल करने का फैसला, नियमावली में होगा संशोधन। अब विवाहित पुत्री को भी अनुकंपा के आधार पर नौकरी मिल सकती है, यह एक अच्छी खबर है उन सारे बच्चियों के लिए जो कि वैवाहिक जीवन होने के बाद नौकरी नहीं पाती थीं, अब पा सकती हैं अनुकंपा के आधार पर यदि ऐसी कोई व्यवस्था बनती है तो।
तो इन्हीं सारी महत्वपूर्ण अपडेट के साथ सूचना सुनने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।